हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं मांडा गोश। कहाँ की डिश है ये? ये खानदेशी डिश है। हाँ। लेकिन ये खाए थे हमने औरंगाबाद में साचक वाले दिन। हम लोग शादी में गए थे, वहाँ पे था साचक, तो वहाँ पे बनाए थे मांडा गोश्त। वैसे वलीमे में भी खाए थे। हाँ, ये बनता रहता है वहाँ। तो ये औरंगाबाद की शादियों में भी बनता है मांडा गोश्त। वहाँ पे ना हम लोग ने जब मतलब भटियारा बना रहा था ना, तो वो भटियारी की रेसिपी हमने शूट करके हमारे चैनल पे डाले थे, लेकिन वो भी आधी रेसिपी थी, कहीं ना कहीं उसका भी आधा प्रोसेस हो चुका था। तो वो वीडियो में ना बहुत कमेंट्स आए थे कि आंटी ये रेसिपी आप अपने तरीके से बना के हमको बताओ, ताकि हम भी घर में बना सके, है ना। तो इसीलिए कम क्वांटिटी में, हाँ, यानी कि लोग घर में जितना बना के खा सके। वहाँ तो इतना बड़ा बड़ा डेक बनता है, इतनी सारी सारी रोटियां बनती है, तो ऐसा। तो आज बनने वाला है मांडा गोश्त, है ना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जब भी मांडा गोश्त बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मटन, प्याज, कोथमीर, हरी मिर्ची, इमली, दही, रवा, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, सूखा खोपरा, चार मगज। यहाँ लेंगे खड़े गरम मसाले में हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिरी, लौंग, जावित्री, तेज़पत्ता, दालचीनी, कमल फूल। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, जीरे की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची। और यहाँ लेंगे हम मैदे का आटा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी हूँ कुकर। तो यहाँ पर मैं मांडा का गोश्त बना रही हूँ कुकर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें, बाप रे, कुकर हमारा गरम हो गया है, इसके लिए आवाज आई है, डरने की कोई बात नहीं। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ दो बड़े साइज की प्याज। प्याज बकरा जिंदा तो नहीं था? बकरे ने वह लगा। तो अब मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज डाल रही हूँ, आधा किलो मटन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता दो, दालचीनी दो इंच का, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, एक फूल जावित्री, और यहाँ आधा चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ काली मिरी और 4 लौंग, ठीक है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन। ये वाला बड़ा चम्मच? नहीं, ये वाला बड़ा चम्मच देखने बना रही मैं। हाँ। छोटा एक चम्मच, टेबल स्पून वाला। हाँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। अब इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 गिलास पानी। अब हम इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी लगा देंगे, ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से गल जाए, प्याज भी थोड़ी अच्छे से गल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगाने से पहले इसमें नमक ऐड कर लूंगी। यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से नमक डालना। अब मैं यहाँ पे ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी कर लूंगी। आपका मटन जितना सीटी में गलता है, आप लोग उतनी सीटी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सीटी हो रही है कुकर में, जब तक हम क्या करेंगे, मांडा के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाउल ले ली हूँ, और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदे का आटा ली हूँ, 2 चम्मच रवा ली हूँ, और नमक और तेल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ पानी से, अगर आपकी मर्जी रहे तो आप दूध ले लेना, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पानी से काम चला। मर्जी नहीं अम्मी, दूध रहे तो दूध ले लेना। हाँ, नहीं, दूध से भी गूंदते हैं, पानी से भी गूंदते हैं, दोनों से गूंदते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पानी से गूंद रही हूँ अभी। लेकिन उनकी मर्जी रहेगी, लेकिन दूध ही नहीं रहेगा तो? हाँ, तो पानी से गूंद लेना मेरी तरह। हाँ। है कि नहीं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदे का आटा ली हूँ, इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच रवा। मैं बता दूं आपको कि आधा किलो अगर आप ले रहे हैं ना मैदे का आटा, तो 50 ग्राम रवा लेना, और अगर 1 किलो अगर आप आटा ले रहे हो तो 100 ग्राम रवा लेना, ठीक है, और दूध के साथ गूंद लेना। लेकिन मैं यहाँ पे पानी से गूंद रही, आपकी मर्जी। यहाँ पे नमक अपने हिसाब से डालना, जितना आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पानी डाल के गूंद लूंगी। तेल हम बाद में डालेंगे, तेल हम पहले नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमको नरम नरम मांडा चाहिए, क्रिस्पी मांडा नहीं चाहिए। तेल पहला डालने से क्रिस्पी हो जाता है, तेल बाद में डालने से नरम बनता है, ये चीज याद रखना। दम टिप। हाँ, तेल यूज करने का तरीका अलग अलग होता है।
तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी में इसको अच्छे से गूंद ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल डाल के थोड़ा सा मसल लूंगी, बस थोड़ा ही मसलना है, फिर हम इसको ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल से अच्छे से मालिश कर ली हूँ 1 मिनट। अब हम इसको गिल्ले कपड़े से ढक के रख देंगे, जब तक हमारा गोश्त का सालन तैयार नहीं होता। इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 5 से 6 सीटी हो गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ पे हम इसकी वो मूढ़ी हवा निकाल देंगे कुकर की, ताकि ये ढक्कन अच्छे से खुल जाए। माशाल्लाह, गरम मसाला गोश्त में डाल के पकाने की ना बात ही अलग है। देख रहे हैं आप लोग, गोश्त मेरा अच्छे से गल गया है माशाल्लाह, और यहाँ पे प्याज भी अच्छे से गल गई है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत और गल जाएगा हमारे मसाले भूनते भूनते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी में बनाऊंगी सालन कुकर के अंदर। मैं गैस यहाँ पे चालू कर दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो है थोड़ा सा हम हिलाएंगे जोर जोर से। ये हिलाने से क्या होगा, जो ये हमारा प्याज है ना अंदर जो अक्खा अक्खा दिख रहा है, ये इस तरीके से हिलाने में इसका पूरा अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, देखें है ना। अब मैं डालूंगी इसमें तेल। अरे वहाँ की सालन में बहुत तेल होता है, तरी बोलते हैं, तरी। तो यहाँ पर तेल डाल के मैंने अच्छे से हिला ली हूँ, ताकि पूरा तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के धनिए की बुक्की। हाँ, भर के डालेंगे। 1 चम्मच डालूंगी मैं जीरे की बुक्की, और 1 चम्मच डालूंगी मैं मिर्ची की बुक्की, तीखी है ये। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ये डालेंगे हम कलर के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे सब मसाले 2 चम्मच 1 चम्मच सब भर भर के इसके लिए डाली हूँ, क्योंकि इसमें ना खोपरा और 4 मगज, ये डालने से हमारा तीखेपन का बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा लगता है सालन, तो इसमें मिर्ची की बुक्की और डालना, क्योंकि खोपरा और मगज पीस के डालूंगी तो वो थोड़ा सा फीका कर देता है। इसके लिए मैंने मसाले इतने डाले, ठीक है। तो ये हमारे घर के हिसाब से तीखा भी बराबर रहेगा। तो अब क्या करूंगी मैं, इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकने दूंगी मसालों को, जब तक हम क्या करेंगे, ये जो मैंने खोपरा ली थी और ये मगज ली थी, इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून ली हूँ। मैंने इसमें सारी मिर्ची की बुक्की डाली थी, सूखे मसाले पूरे ऐड करी थी, तो पानी सूखे तक, मैंने तेल ऊपर आए तक पूरे मसाले अच्छे से भून ली हूँ। अब हम डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाए हैं ना, खोपरा और मगज, अब इसका पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा पानी भी ऐड करूंगी, थोड़ा भी जाया नहीं जाने देंगे हम, बचत। शिरवा बनने में मदद होती है मसाले वेस्ट नहीं करने का, है क्या नहीं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको भून लूंगी, ताकि ये खोपरा और मगज भी अच्छे से हमारा भून जाए, खोपरे की भी कच्ची कच्ची स्मेल ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3-4 मिनट इसको अच्छे से भून ली हूँ खोपरा डाल के, और खोपरे के साथ में हमने 4 मगज भी डाले थे, तो इसलिए हिलाते रहना। अगर सिर्फ खोपरा डाल रहे हैं आप, तो थोड़ा पकने छोड़ सकते हैं बिना हिलाए के। अगर मगज डाल रहे हैं तो घड़ी घड़ी हिलाते रहना, क्योंकि ना मगज है ना नीचे चिपकता है, सालन जलने का डर होता है। अगर आप मगज थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, मसाला अगर बढ़ाना है, तो आप बाद में ऐड करना, सिर्फ खोपरा डाल के भूनना। लेकिन यहाँ मगज मैं सिर्फ 2 चम्मच ऐड करी थी, इसके लिए 7 में पीसी थी, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पे दही, ये होती है चक्का दही, मीठी दही, ये फ्लेवर के लिए डाला जाता है, मीठेपन के लिए हल्का सा। इसमें टमाटे बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, और दही भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ती है खट्टी, सिर्फ हमने थोड़ी सी दही मिलाई है 50 ग्राम के आसपास। इसमें शक्कर रहती है, थोड़ा सा ये दही मीठा होता है। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा पकने दूंगी स्लो आंच पे, और जब तक हम क्या करेंगे, ये जो इमली लिए थे ना, इसको हमने भीगने रख दिए थे, इसको चूर के इसका अलग से पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे 2 से 3 मिनट और पक गया है दही डालने के बाद, और यहाँ पे मैंने इमली का पेस्ट भी निकाल दी हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं ये पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें जितना पानी ऐड करना है उतना कर सकते हैं, जितना गाढ़ा रखना है उतना रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सालन है ना ये उतरने के बाद भी गाढ़ा होता है। खोपरा और मगज है जो सालन को ठंडा होने के बाद में और गाढ़ा करता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी एक गिलास पानी, यहाँ पे एक गिलास मैं पूरा ऐड करूंगी, क्योंकि पानी डालने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए पकने छोड़ने दूंगी। इसके ऊपर से अभी हम कोथमीर ऐड करेंगे और ये गरम मसाला पाउडर जो हम पीसे हुआ रखे हुए थे साइड में, ठीक है। अब अच्छे से इसको मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर पका ली मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पानी डाल के अच्छे से। माशाल्लाह मेरा अच्छे से शिरवा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब ये रखने के बाद और गाढ़ा होएगा, ठीक है। अगर आपको इससे पतला गाढ़ा चाहिए तो आप अपने हिसाब से रख लेना। यहाँ पे मैं डालूंगी 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालना नहीं डालना आपकी मर्जी है। अब मैं इसको उतार के रख दूंगी। ये सालन मांडे का तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं गैस बंद करूंगी, अभी बनाऊंगी मैं मांडा, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे मांडा। क्या है तो मांडा? मांडे का तवा हमारे पास नहीं है गोल वाला, तो हमने यहाँ पे हमारा रेडीमेड जुगाड़ू तवा बना दिए है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक का पानी ऐसे डाल के चेक करी कि हमारा मांडे का तवा गर्म हुआ के नहीं, है ना। देखो ऐसे बड़ी वाली कढ़ाई पलटी कर देंगे ना आपके मांडा आराम से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे भी आटा जो हमने अच्छे से गून के रख दिए थे, ये भी अच्छे से सेट हो गया है। तो ये एक टाइप की रुमाली रोटी होती है जिसको बोलते हैं मांडा, है ना। मांडा इसे भले भी मैं बनाई थी लेकिन अभी यहाँ पे मांडा गोश्त के साथ इसकी जोड़ी है तो इसके लिए मैं बना रही हूँ, जैसे कि दालचा। हाँ तो यहाँ पे अभी मैं बनाने वाली हूँ 2 ही पेड़े। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, 2 से 3 पेड़े बनाऊंगी और आराम से इसकी बड़ी बड़ी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये रोटी जो होती है ना ये भी पतली होती है, ये ज्यादा बड़ी नहीं मोटी नहीं होती है, तो इसके पेड़े ना बहुत सोच समझ के बनाने पड़ते हैं। छोटे पेड़े बना के बड़ा इसको बेलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा पेड़ा ले लूंगी तो मोटी रोटी बन जाएगी और ये मैदे की आटे की है तो इसको ज्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। तो इसको अब हम रख देंगे और अब यहाँ पे मैं 2 पेड़े बना लिए ली हूँ जिसको हम अच्छे से बेल लेंगे। अब वहां पे तो देखे ना आप लोगों ने हाथों में उठा के उसने किस तरीके से गूंदा था, अब हम तो वैसा नहीं गूंद सकते ना, तो हम इसी तरीके से गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी बेली हूँ जितनी बड़ी मैं बेल सकती हूँ, ठीक है, जितना मेरी कढ़ाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई रखी हूँ गर्म होने के लिए, इस पे हम डालेंगे ये नमक का पानी। ये नमक का पानी हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारी रोटी जो है वो चिपके नहीं, क्योंकि हमारे पास ये लोखंड का बर्तन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यह हमारी रोटी को आराम से उठाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। इससे बहुत इजी तरीका, हाथ वाथ नहीं जलेगा और रोटी भी फटाफट बनेगी। और इसके लिए हमको कढ़ाई एकदम गरम गरम चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत फटाफट बन जाती है रोटी, इसको जलने के दाग नहीं आना बोल के फटाफट इसको पलटी भी कर लेते हैं। ओए होए ओए होए, देखा कढ़ाई पे भी बन सकती है मांडा रोटी है क्या नहीं, देखो बना रही हूँ ना मैं। अभी इसके अंदर है ना मैंने जीरा नहीं डाली हूँ, आप लोग को जीरा चाहिए तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाली हूँ कि मुझे जीरा नहीं डालना था। और ये ज्यादा नहीं सेकी जाती, हाँ ये ज्यादा नहीं सेकी जाती है, हल्की हल्की ही सेकी जाती है, क्योंकि ना मैदे की रोटी है कड़क नहीं होना चाहिए इसके लिए। बस ये सीक गई है चारों तरफ से, इसको हम इस तरीके से पलटी कर लेंगे। ये अब गया ये हमारे डब्बे में, है ना।
इसको ढक देंगे फटाफट, क्योंकि एसी चालू है ना, कड़क नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मांडा बना ली हूँ। अब ये हम बना रहे हैं लास्ट वाली, इसको झटपट झटपट चेंज कर लेने का फटाफट फटाफट, है ना, क्योंकि ये जलती भी जल्दी है, क्योंकि रहती पतली है ना इसके लिए। और ये गरम जब से होते होते और जब भी ज्यादा गरम हो गया। हाँ गरम हो गया है ना, लेकिन गरम पे ही बनती अच्छी, गरम पे ही बनती अच्छी है ना, मस्त। तो यहाँ पर हमारी मांडा भी तैयार हो गई है और गोश्त भी तैयार हो गया है, यानी कि मांडा गोश्त। हाँ तो यहाँ पे हमारा मांडा गोश्त पूरा हो गया है रेडी। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना मांडा गोश्त, ये रहा गोश्त का सालन और ये रहा मांडा। बताता हूँ तुम लोग आज किसको बोलते हैं मांडा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहेगा कि ये मांडा है भाई। लेकिन हम लोग के हिसाब से, हमने कढ़ाई के हिसाब से हमारी जितनी बड़ी बड़ी हम बनाए, ये है अपने लिए रुमाली रोटी। बहुत सी शादियों में हमने खाया है, लेकिन गांव में जब मैं ये साल खाया ना, तब मुझे मालूम पड़ा कि इसको बोलते हैं मांडा। हाँ और ये है गोश्त, मांडा गोश्त। पहले मैं सोचता था कि सालन का नाम है मांडा, वहां जाके ना क्लियर किए कुछ लोगों ने कि नहीं भाई इसको मांडा बोलते हैं और ये है उसका सालन जिसके साथ वो खाते हैं। नहीं आज भी बहुत से लोग इसी को मांडा गोश्त को सालन को ही बोलते हैं। देखो मैं ना ऐसा बना दिया इसका टुकड़ा। अच्छा रुमाली रोटी के भी पीस बना लिया उसने मस्त वाले। हाँ निकालो। और देखो भाई गाँव में, गाँव नहीं सॉरी औरंगाबाद में, सॉरी मेरे मुंह से निकलता है मैं क्या करूँ, बुरा लगता है बहुत से लोग को मैं गाँव बोलता हूँ। तो औरंगाबाद में ना ये मांडे का सालन या फिर नान खलिया या और भी कोई सालन है ना, फुल मसाले वाले रहते, एकदम तरी वाले पतले वाले भंगा। लेकिन अम्मी ने ना थोड़ा ठीक बना दिए ये, है ना अम्मी। नहीं ये ठीक भी बनता है, मैं बोली ना अपने अपने हिसाब से बनता है, कोई रस्सा ज्यादा पतला कर देता है, कोई गाढ़ा कर देता है। मैंने देखो बताई थी आपको कि मैंने इतना पानी डाल के पकाई, फिर भी देखो इतना घट हो गया, क्योंकि खोपरा जिसमें जाता है, मगज जिसमें जाता है वो घट होता ही है, और तीसरा काजू जिसमें जाता है वो भी घट होता है। ये सारे मसाले अगर डाल रहे हैं तो घट होएगा ही। ये हमने खाए थे वहाँ पे साचक की रसम में बनाए थे सबके लिए इतने बड़े वाले डेक में, और वली में भी जब हम गए तो हमको वहाँ पे भी मिला था मांडा गोश्त। लो बिस्मिल्लाह। वैसे तो औरंगाबाद का फेमस है नान खलिया, है ना अम्मी, वो भी हमने हमारे चैनल पे बनाया है, तो भाई वो भी देख लेना रेसिपी। देखो मैंने ना बोटी लिया हूँ, पतली रोटी में ना मस्त सालन ऐसा भर के लेने का, अभी थोड़ा और पतला होता ना तो मैं वाटी में लेके खाता था। नान खलिए की तरह है मसाला, आओ बिस्मिल्लाह। सालन तो एक नंबर बनाया मस्त ना। मैं ना अपने घर के हिसाब से बनाती हूँ, एकदम ज्यादा हाई मसाले नहीं डाल देती, ताकि किसी का सीना ना जले, किसी को तेज ना लगे। हाँ। मैं ये सब नजर में रख के भी बनाती हूँ। मैंने इसमें खड़े गरम मसाले भी डाली हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाली, उसके बाद भी लग रहा बेटा तेज। मैंने तेज दरार नहीं लगा, मिर्ची की बुक्की, कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की, दोनों भी एकदम हमारे घर के हिसाब में मैंने बनाई, भी एकदम ऐसा मुलायम गली है ना, है ना मस्त ना। देखो ना और अगर आपको मांडा में खोआ डालना हो तो खोआ भी डाल सकते हैं, जैसा हम मीठे में डालते हैं ना खोआ, वही खोआ को हम इसमें डाल दें तो ये भाई रिचनेस पे आ जाती है, बोले बहुत रिच सालन बना दिए। हाँ। मांडे का ऐसा नहीं है कि खोआ सिर्फ मीठे में ही यूज होता है, नहीं तीखे में भी यूज होता है। मैंने भी एक दो बिरयानी में सालन में यूज करी हूँ, व्हाइट सालन में भी मैं यूज करती हूँ। अगर आपको खोए का डाल के भी कोई सालन चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो भी बना के बताऊंगी। खोआ दोनों में यूज होता है, मीठे में भी तीखे में भी। अगर आप सालन में थोड़ा सा खोआ भी डालते और रिच मांडा बन जाता है, सालन बन जाता था ये। और हाँ मैंने जो बताई आपको कि ये जो मांडा में मैंने दूध भी नहीं डाली, देखो फिर भी कैसा बनी बेटा रोटी, नरम बनी ना, मस्त नरम बनी है, एकदम मस्त बनी है। खाने घर में दूध नहीं था ना मैं, बस नहीं डाली क्योंकि ना बार बार अम्मी बोलते कि भटियारे लोग ना नहीं डालते, ऐसी बोलते बना देते हैं, लेकिन आज अम्मी ने कर दी। बोलो नहीं मैंने खुद जानबूझ के करी, क्योंकि देखो कोई किसके पास है किसके पास नहीं, मैं खाने वाला हूँ ना। बहुत से लोग ये भी पानी बहुत से लोग ये भी सवाल था कहीं दूध डालने से रोटी बहुत अच्छी बनती होगी, पानी से खराब तो नहीं बनेगी, ऐसा माइंड में आता है ना। इसके लिए मैं बोली नहीं, मैं पानी से ही बना के बताऊंगी लोगों को कि रोटी बहुत अच्छी बनी, अगर आप दूध यूज करेंगे तो और अच्छी बनेगी, ये है मेरा बोलने का मतलब। पानी से भी मांडा अच्छा बना, बस खाली मैंने ना जीरा यूज नहीं करी उसमें,
जीरा यूज नहीं करी, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। मैंने उसमें जीरा नहीं डाली, इसमें खोआ नहीं डाली हूँ। अगर आपको डालना है और ज्यादा अच्छा कर, अभी मान लो तवा नहीं है लोगों के पास, अभी तुमने तो जुगाड़ से बना दिया उल्टा करके पलटी करके, तो आपके पास फ्राई पैन या गोल तवा होगा ना बड़ा वाला, कढ़ाई नहीं रख सकते, तो आप तवे को भी औंधा उल्टा करके गैस पे रख सकते, बस उसको थोड़ा सा आंच से ऊंचा रखना, चार तरफ एक कोयले के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े रख के गैस पे ऊपर कर देना थोड़ा सा। अगर आपको रुमाली रोटी खाना है तो ही इतना रिस्क लेना नहीं, लेकिन सच में बहुत अच्छी बनती है रोटी, तो अच्छी बनी और सही में मजा भी आता है, बनी है सालन के साथ, लग भी अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये मांडे के साथ नहीं खाना है ये सालन, तो आप भाई अपनी नॉर्मल रोटी से खा सकते हो, है ना। हाँ, बिंदास मस्त लगे चपाती के भाई, कहीं ना कहीं ये सालन का ही एक्चुअल टेस्ट है, मजेदार मस्त लगा ना। हाँ, पूरा खत्म कर दिया उसने माशाल्लाह, अच्छी बनी है। देखो बकरा ईद में बहुत गोश आता है, आप लोग ये बना के नए नए डिश बना के चख सकते हैं, खिला सकते हैं आपके मेहमानों को, अच्छा लगेगा नया नया, अगर आप परोसेंगे तो बनाएंगे तो, है ना। तो गोश्त तो आता है, तो एक ही किस्म का डेली नहीं बना सकते ना, बकरीद में यही मसला हो जाता है कि एक ही जैसा मटन खा रहे हैं, नहीं मटन को भी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मेरा ये बोलने का मतलब। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा, जो है ना छुप छुप के देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कैमरा मैन है, फिर एडिटिंग करना पड़ता, रात रात वीडियो डालना पड़ता, फिर इतनी मेहनत करके खाना पड़ता, खाना खा के फिर तुम लोगों को बताना पड़ता है भाई इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है अच्छा है कि नहीं है। और आप लोगों से इतनी सी उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बस, और इस वीडियो को ना शेयर करो, जिस किसी को भी ये डिश के बारे में नहीं पता तो आप बता सकते हो हमारा वीडियो शेयर करके। बताती हूँ आप लोगों को कि ना जब तक मैं खाता हूँ जो भी ये रिव्यू देता है ना अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सही रिव्यू देता है, कभी कम ज्यादा हुआ तो ये बताता भी है, बता देता है सीधा सीधा मुंह पर ही कि आज ये इसमें इतना थोड़ा सा कम है, आज नीचे से ये लाए हैं, आज ऊपर से वो करे, आप लोगों को सब बताता है, ये कोई ऐसा सोचना मत कि इसको अच्छा नहीं लगेगा तो भी ये अच्छा बोलता है, नहीं यार लोग बनाते हैं, वो मैं अपने को भी नहीं पता कि बहुत से लोग हमारी रेसिपी बनाते हैं, मुझे पता है मैं टाइम नहीं मिलता तो अपने को बता भी नहीं पाता हूँ मैं, मुझे ना इंस्टाग्राम पे फोटोज आते हैं कि देखो ये रेसिपी बनाए वो रेसिपी बना, तो क्या वो लोगों की रेसिपी खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि ये कम है तो आप लोग वैसा डाल देना। तो माशाल्लाह देखो ये मांडा तो बहुत अच्छा बना, गोश्त भी बहुत मजे का चटपटा बना है, अभी इसमें आपको क्या बढ़ाना है क्या कम करना है, सिर्फ मिर्ची जो आपके हिसाब की है कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अगर इसको ज्यादा और इसमें बोलते हैं ना मावा वगैरह डाल के और रिच करना है तो कर सकते हैं, बाकी पूरे माल मसाले मैंने अपने हिसाब से डाली हूँ, आधा किलो गोश्त के हिसाब से, अगर आप एक किलो लेंगे तो मसाले थोड़े से बढ़ा लेना, समझ गए। ठीक है, हाँ तो भाई चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।